हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। आज इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे और यूजीसी नेट के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है उनकी जो क्वेश्चंस की डिटेल एनालिसिस है उसमें ये फिफ्थ वीडियो है। इससे पहले मैंने फोर वीडियो डाल दी है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं। और डिटेल एनालिसिस में भी मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आ रही हूँ जिससे आपको कंप्लीट एक टाइप की जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएं। जैसे जो लास्ट मैंने वीडियोस बनाए हैं उनमें एक में तो है स्लेव नरेटिव और उसके इम्पोर्टेंट जो स्लेव जो नरेटिव से रिलेटेड जो नॉवेल्स हैं वो मैंने कवर करा दिए हैं। एक में मैंने पूरे के पूरा जो ऑप्शन में कश्मीरी नॉवलिस्ट हैं वो सारा करा दिया है। एक जो वीडियो था जिसमें जो नॉवेल्स पूछे गए थे वो सारे के सारे कैंपस नॉवल थे, तो कैंपस नॉवल क्या होता है और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे कैंपस नॉवल से वो यूनिट मैंने करा दी है उस एक ही क्वेश्चन के अंदर। और आज ये नया एक न्यू वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे जो पोएटिक मूवमेंट्स है उसके बारे में बात हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये क्वेश्चन था दिसंबर 2021 का, ये क्वेश्चन था, यूजीसी नेट ने पूछा था। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पोएट्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन रिलेशन टू इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री। इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री के अंदर इन जो ये पोएट्स हैं जो ये मूवमेंट है अपने आप में जो पोएटिक मूवमेंट्स हैं उनको आपको अरेंज करना था उनकी क्रोनोलॉजी के हिसाब से। तो इसके अंदर जो ऑप्शन थे वो थे द इमेजिस्ट पोएट्स, सेकेंड था द कैवेलियर पोएट्स, थर्ड था द मूवमेंट पोएट्स और फोर्थ था द लेक पोएट्स। और इस एक वीडियो से आपको जो पोएटिक मूवमेंट्स थे वो अपने आप में ही क्लियर हो जाएगा और जो है आपको ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपका आपके लिए ये वीडियो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले द कैवेलियर पोएट्स और इसकी क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपको अरेंज करना था, तो सबसे पहले इस क्रोनोलॉजी में जो आएंगे वो आएंगे द कैवेलियर पोएट्स। इसके साथ साथ आप इसकी जो ईयर है वो याद रखेंगे, प्लस कौन कौन से पॉइंट्स इनसे रिलेटेड थे वो याद रखेंगे और प्लस उनके मेन जो पॉइंट्स थे वो क्या थे वो भी याद रखेंगे। तो कैवेलियर पॉइंट्स जो था वो स्कूल ऑफ पॉइंट्स था 17th सेंचुरी के अंदर। और ये जो पॉइंट्स थे बेसिकली ये जो ये सपोर्ट करते थे किंग चार्ल्स फर्स्ट को, सिविल जो वॉर हुआ था इंग्लिश सिविल वॉर जो हुआ था वो 1642 से लेके 1651 तक हुआ था और उसके बाद जो है किंग चार्ल्स को ये उसके जो ये सिविल वॉर हुआ था उसमें सपोर्ट करते थे। और ये पॉइंट जो भी किंग चार्ल्स को जो इस टाइप का आर्ट पसंद होता था वो वही आर्ट उसी टाइप का ये प्रोड्यूस करते थे, यानी उसी टाइप की पोइट्री ये लिखते थे। तो किंग चार्ल्स इनसे बहुत ज्यादा खुश था और इन्होंने क्योंकि ये किंग चार्ल्स का फेवर करते थे तो इन जो पॉइंट्स थे इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया था और इसीलिए इनको जो है किंग चार्ल्स का फेवर करने के लिए ये जो पॉइंट्स थे वो कैवेलियर पॉइंट्स कहलाए। इनका जो लाइफ स्टाइल था वो बिल्कुल अलग था राउंड हेड से, यानी एक साइड कैवेलियर पॉइंट्स थे दूसरी साइड राउंड हेड्स थे। राउंड हेड्स वो थे जो कि किंग को सपोर्ट ना करके पार्लियामेंट को जो है सपोर्ट करते थे, यानी ये चाहते थे कि जो है इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट हो और जो जो ये जो राजा का जो राजा का किंगडम सॉरी राजा का जो रेन होता है वो ना हो, वो राजा को पसंद नहीं करते थे तो वो जो पार्लियामेंट को पसंद करते थे वो राउंड हेड के लाइस, और जबकि ये जो कैवेलियर पॉइंट्स थे वो राजा को पसंद करते थे। और इनके अंदर जो बेस्ट नोन कैवेलियर पॉइंट्स थे वो थे रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, थॉमस क्रू एंड सर जॉन सकलिंग, ये मेन इंपॉर्टेंट थे। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए निकल के आएगा, आपको यूजीसी नेट में हो सकता है ये थ्री पॉइंट्स आपको दे दिया जाए और इसके साथ एक और अलग से पॉइंट दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा कैवेलियर पॉइंट नहीं है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद जो है आपको पता चल गया कि कौन सी सेंचुरी का है ये, तो 17th सेंचुरी के अंदर आए थे कैवेलियर पॉइंट्स, ये आपको याद रखना है। कौन थे कैवेलियर पॉइंट्स जो किंग चार्ल्स को सपोर्ट करते थे वो कैवेलियर पॉइंट्स थे। उसके बाद राउंड हेड्स कौन थे, राउंड हेड्स वो थे जो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे और जो जिनको जो है पुरिटेंस माना जाता था। कैवेलियर पॉइंट की जो पोएट्री थी सब्जेक्ट मैटर में बहुत ज्यादा अलग थी,
उनके जो इश्यूज होते थे, वो जो जिन इश्यूज पे जो पोइट्री लिखते थे, वो रिलीजन होता था, फिलोसफी होती थी, आर्ट होती, और कैवेलियर पोइट्स का मेन एम जो एम होता था पोइट्री का, वो होता था इंजॉय करना, और जो जो उस टाइम का जो जो सिंपल ग्रेटिफिकेशन होता था उनका, कि लोगों को संतुष्ट करना है, राजा को संतुष्ट करना है अपनी पोइट्री के थ्रू, ये इनका मेन टारगेट होता था। और उनके वर्क्स के अंदर जो है मोस्टली वो क्राउन को प्रमोट करते थे, यानी किंग्स चार्ल्स को प्रमोट करते थे अपनी पोइट्री के अंदर। और मोस्ट जो कैवेलियर उनका वर्क्स जो था वो इंस्पायर होता था हॉरेस से, सिसरो से और ओविड से। इन्होंने अपना जो इंस्पिरेशन मांगना था वो इनको माना था, हॉरेस को, सिसरो को और ओविड से, और इन्हीं से इंस्पायर होके ये अपना पोइट्री लिखते थे। उसके साथ साथ उन्होंने जो जो पोइट्री लिखते थे वो किंग्स चार्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए लिखते थे। और इनका जो मेन जो क्रिएट जो पोइट्री करते थे, उनका दो ही कारण होते थे, प्लेजर और वर्च्यू, दो ये मेन कारण थे उनकी पोइट्री के। और उसके साथ साथ जो ये जो रेफरेंसेस लेते थे हॉरेस और सिसरो और ओविड से, इनसे इनकी पोइट्री जो है वो बहुत ज्यादा प्लीजिंग होती थी। और इनके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे जिनके बेस पे ये पोइट्री लिखते थे, वो थे, ये सेलिब्रेट करते थे ब्यूटी को, लव को, नेचर को, सेंसुअलिटी को, ड्रिंकिंग को, गुड फ्रेंडशिप को, ऑनर को, सोशल लाइफ को। यानी इनके जो टॉपिक्स होते थे वो ये होते थे। और एक हिसाब से देखा जाए तो इनकी पोइट्री के अंदर एक एटीट्यूड होता था जो कि कहलाता था कार्पे डाइम या कार्पे डिम। तो कार्पे डिम मीन्स सीज ऑफ द डे, यानी कहने का मतलब है कि जो है आज जिसको जो जितना एंजॉय करना है आज कर लो, क्या पता कल हो ना हो। तो ये वाला एटीट्यूड जो था वो कैवेलियर पोइट्स का था। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैवेलियर पोइट्स का जो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था या जो सेंस ऑफ इंस्पिरेशन थी वो क्या था। तो वो थे हॉरेस, सिसरो और ओविड। तो सबसे पहले आए थे कैवेलियर पोइट्स। उसके बाद सेकंड ऑप्शन पे आएंगे द लेक पॉइंट्स। जो लेक पॉइंट्स थे वो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स थे जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे इंग्लैंड के अंदर, यूके की, जो कि यूके में है। उसके बाद ये आया था फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो आए थे वो लेक पॉइंट्स आए थे। और ये नेम जो उनको मिला है वो मिला है एडिनबर्ग रिव्यू जो है वहां से ये नेम इनको मिला है। और ये एक रोमांटिक मूवमेंट का मेन पार्ट भी माना जाते हैं। जो मेन थ्री फिगर्स थे लेक पॉइंट्स के अंदर वो है विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड रॉबर्ट सदे। ये तीन मेन है। तो पहली बात, कौन थे लेक पॉइंट्स, कहाँ पे रहते थे। सेकंड की वो कौन सी सेंचुरी में थे, फर्स्ट हाफ और 19th सेंचुरी में थे। उसके बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे, तो फोर ऑप्शन होंगे। तो फोर ऑप्शन में से थ्री ये हैं और एक कोई आपको को और मिल जाएगा, या हो सकता है वन यहाँ से दे दे, थ्री खां कहीं और से दे दे, कोई और राइटर दे दे। तो ये थे मेन तीन। इसके साथ साथ और भी थे जो पॉइंट्स इसके साथ जुड़े हुए थे, वो थे डोरोथी वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स लैम, मैरी लैम, चार्ल्स लियोर्ड, हार्टले कॉलरिज, जॉन विल्सन एंड थॉमस डी क्विंसी। ये और पॉइंट्स थे जो इसके साथ, इस मूवमेंट लेक पॉइंट्स के साथ जुड़े हुए थे। ये कहता है जो लेक पॉइंट स्कूल था उसको बार्ड्स ऑफ लेक भी कहा जाता है या लेक स्कूल भी कहा जाता है। शुरू में जो है ये एक एक मतलब एक टाइप से एक अपमानजनक टर्म थी जो यूज की जाती थी, यानी कुछ अच्छा नहीं माना जाता था इसमें लेक पॉइंट स्कूल्स के अंदर, क्योंकि ये माना जाता था कि लेक स्कूल ऑफ पॉइंट्स वो हैं जो कि रोने धोने का काम करते रहते हैं, हिपोक्रेटिकल जो है उस टाइप के होते हैं। ये इस टाइप के पॉइंट जो होते हैं वो सारा अपनी पोइट्री के अंदर रोने धोने का काम करते रहते हैं। तो इस टाइप से ये एक अपमानजनक टर्म जो थी वो यूज की जाती थी, जो कि यूज की थी फ्रांसिस जेफरी ने, यूज की थी ये टर्म जो यूज की थी। उसके बाद ये कहता है दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो लेक पॉइंट्स थे जिसके ऊपर ये नाम रखा गया लेक पॉइंट्स, ये ना तो यहाँ पे बोर्न हुए थे, लेक डिस्ट्रिक्ट में बोर्न हुए थे, और ना ही इनका कोई पर्टिकुलर स्कूल ऑफ पोइट्री था। जैसे बहुत सारे स्कूल ऑफ पोइट्री जो है वो राइटर्स के निकल के आए, सॉरी निकल के आए थे, लेकिन ये एक टाइप का स्कूल ऑफ पोइट्री नहीं था, बस ये आके यहाँ पे रहने लग गए थे। तो वो तीन थे वो लिखने लग गए, इसलिए इनको लेक पॉइंट्स कहने लग गए। उसके बाद जो है डोरोथी वर्ड्सवर्थ जो था, हालांकि मेन एक इम्पोर्टेंट मेंबर थी इसकी, लेकिन उनका कोई भी वर्क उनके लाइफ टाइम के अंदर पब्लिश नहीं हुआ। उन्होंने जर्नल्स भी लिखे, लेटर्स भी लिखे, पोइम्स भी लिखे,
लेकिन जो भी वर्क उन्होंने लिखा वो उनकी डेथ के बाद जो है वो पब्लिश हुए। पोस्टमसली का मतलब होता है आफ्टर डेथ, यानी डोरोथी वर्ड्सवर्थ के जो भी वर्क थे वो उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए। इसके साथ साथ बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के जो राइटर्स थे वो थे, प्रैक्टिस करते थे मॉडर्न पोएट्री का, वो भी बहुत ज्यादा जो है उनका भी कोई जो लेक पोएट्स थे उनके साथ कोई इजी रिलेशनशिप नहीं था, यानी वो भी इतने ज्यादा इंस्पायर नहीं थे। तो कहने का मतलब ये है कि लेक पोएट्स जो है वो एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ पोएट्री नहीं थी, नहीं था, यानी ये इकट्ठे यहाँ पे रह रहे थे इसलिए इनको लेक पॉइंट्स कहा जाता था। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहली बात ये लेक पॉइंट्स हैं, दूसरी बात ये कहाँ पे रहते थे और कौन सी सेंचुरी में रहते थे, कौन से मैगजीन के अंदर वर्क के अंदर ये टर्म यूज की गई थी और कौन कौन इससे रिलेटेड था। नेक्स्ट जो ऑप्शन था वो था इमेजिज्म। इमेजिज्म जो है वो मूवमेंट जो है वो आया था बेसिकली अर्ली 20th सेंचुरी में, ये अर्ली 20th सेंचुरी का पोएटिक मूवमेंट था। और इसके अंदर जो है जो फेवर की जाती थी, इमेजिज्म जो फेवर करता था वो इमेजरी को जो है कल्पनावाद को बहुत ज्यादा फेवर करता था। उसके बाद जो क्लियर होनी चाहिए सारी की सारी पोएट्री के अंदर चीजें, प्लस जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो शार्प होनी चाहिए, यानी ये जो मानते थे इमेजिस्ट जो मानते थे वो ये मानते थे कि जो लैंग्वेज है उसके अंदर बहुत सारी इमेजरी होनी चाहिए, शार्प लैंग्वेज होनी चाहिए और क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए। और ये कहता है इस टाइप का ये पहला मॉडर्निस्ट लिटरी मूवमेंट था इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो ऑर्गेनाइज था, यानी एक टाइप से ऑर्गेनाइज किया हुआ था, बाकी पहले के जो मूवमेंट थे वो ऑर्गेनाइज नहीं थे। फ्रेंच एकेडमिक रेने टोपिन ने कहा था कि ये कोई जो है एक टाइप का पोएटिक स्कूल नहीं था, यहाँ पे जो ये लोग इकट्ठा हुए थे, ये पोएट्स जो इकट्ठे हुए थे वो ऐसे पोएट्स थे जो एग्रीमेंट करते थे किसी जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स थे उनके ऊपर। यानी कहने का मतलब है कि कुछ पोएट्स इकट्ठा हुए और उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए और उन प्रिंसिपल्स को जो मानते थे उन पे गैगरी करते थे, उनको फिर कहा गया इमेजिस्ट पोएट्स। इमेजिस्ट पोएट्स जो है वो रिजेक्ट करते थे रोमांटिक एज का और विक्टोरियन एज की जो पोएट्री थी उसके अंदर जो सेंटिमेंट्स थे उनको टोटली रिजेक्ट करते थे। और इनका जो है ये इसके साथ साथ जॉर्जियन पोएट्री के भी कॉन्ट्रास्ट में थे। इमेजिस्ट जो पोएट थे वो बिलीव करते थे क्लासिकल वैल्यूज के अंदर और उनका जो मेन फोकस होता था वो होता था डायरेक्टनेस ऑफ प्रेजेंटेशन, इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज, और वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे जो नॉन ट्रेडिशनल वर्ड्स फॉर्म है उनके ऊपर। और उसके साथ साथ इमेजिस्ट जो है वो फ्री वर्ड्स का यूज करते थे, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इमेजिस्ट जो है वो फ्री वर्ड्स का यूज करते थे। और मेन जो है वो इमेजिस्ट ये मानते थे कि एक सिंगल इमेज अपने आप में ही अपना सारा जो है वो असेंस रिवील कर देती है, यानी एक इमेज के अंदर ही उसका पूरा सार होता है। इमेजिस्ट की जो पब्लिकेशंस आई वो शुरू हुई थी 1914 से लेके 1970 तक, और उसके अंदर जो मेन इम्पोर्टेंट लिटरी पोइट्स थे वो थे एजरा पाउंड, एचडी, हिल्डा डोलिटल, एमिलोय, फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड, विलियम कार्लोस विलियम्स, एफ एस फ्लिंट एंड टी ई होम। तो ये मेन इम्पोर्टेंट इमेजिस्ट राइटर पोइट्स थे। और ये जो इमेजिस्ट थे वो मेन इनका जो सेंटर था वो लंदन में था जो, और उसके साथ साथ इसके जो मेंबर थे वो ग्रेट ब्रिटेन से भी थे, आयरलैंड से थे और यूएस से भी थे। और टाइम के साथ साथ इसके अंदर वीमेन राइटर्स भी जो है वो इंक्लूड हो गई थी इमेजिस्ट फिगर के रूप में। तो ये बेसिकली इमेजिस्ट मूवमेंट था 20th सेंचुरी के अंदर, अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर ये आया था। उसके बाद है लास्ट जो पोएटिक मूवमेंट था वो था द मूवमेंट। द मूवमेंट वाज ए टर्म कॉइन्ड इन 1954 बाय जेडी स्कॉट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रखना कि मूवमेंट की जो लिटरी टर्म है इसको कॉइन किसने किया था। तो 1954 में जीडी स्कॉट ने इस टर्म को इन्वेंट किया था। और ये जो टर्म आई थी ये आई थी एक जो लिटरी मैगजीन है उसके अंदर द स्पेक्टेटर के अंदर आई थी। और इसमें बताया गया है कि ग्रुप ऑफ राइटर्स हैं जिसके अंदर सॉरी ग्रुप ऑफ राइटर्स हैं जो कि मेन
इंपॉर्टेंट जिनके अंदर पोइट हैं, फिलिप लार्किन, किंग्सले अमेज, डोनाल्ड डेवी, डी जी एन राइट, जॉन वेन, एलिजाबेथ जेनिंग्स, थॉम गन एंड रॉबर्ट कंकेस्ट, ये मेन इंपॉर्टेंट थे जो मूवमेंट से रिलेटेड थे. मूवमेंट वाज जो था मेन इंपॉर्टेंट इसका ये था, इंपॉर्टेंस ये थी कि इसके अंदर जो लिटरेरी फिगर्स थे, जो पोइट्स थे, मेनली वो इंग्लिश ही थे. इसके अंदर बाहर की कंट्री वाले अलाउड नहीं थे. पोइट्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम वर नॉट इन्वॉल्व. इस पोइटिंग मूवमेंट के अंदर इंग्लैंड के बाहर के पोइट्स को अलाउ नहीं किया गया था, वो इन्वॉल्व नहीं थे. उसके बाद ये कहता है, हालांकि एक लिटरेरी ग्रुप था, लेकिन ये अपने आप को एक लिटरेरी ग्रुप नहीं मानते थे. ये कहते थे कि हमारे अंदर कुछ जो है कॉमन पर्पस है जिसको हम सारे राइटर्स शेयर करते हैं, तो इस टाइप से अपने आप को देखते थे. ये पोइट्स ये मानते थे कि गुड पोइट्री का मतलब होता है कि सिंपल, सेंसुअस और कंटेंट जो है वो ट्रेडिशनल होना चाहिए, कन्वेंशनल होना चाहिए, और उसकी फॉर्म जो है वो डिग्निफाइड होनी चाहिए. तो इस टाइप की पोइट्री ये चाहते थे. और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, तो मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो ये चाह रहे थे कि इम्पोर्टेंस दिखानी है इंग्लिश पोइट्री की. और ये टोटली जो थे वो अमेरिकन पोइट्री के खिलाफ थे. अमेरिकन पोइट्री के अंदर जो नए नए इनोवेशन हो रहे थे उनके खिलाफ थे ये. और ये चाहते थे, ये जो है ये अपोज करते थे मॉडर्निस्ट लिटरेचर का, और जिस जो कि इनकी जो है जो ये जिस टाइप की पोइट्री लिखते थे उसके अंदर रिफ्लेक्ट होता था कि किस टाइप की पोइट्री पसंद करते हैं. और इस मूवमेंट ने जो है डिवीजन कर दिया ब्रिटिश पोइट्री के अंदर. और ब्रिटिश पोइट्री ये जो इनकी पॉइंट्स होती थी वो नॉस्टैल्जिक होती थी ओल्ड इंग्लैंड के बारे में, और उसके अंदर जो इमेजेस होती थी वो रूरल इमेजेस होती थी कि किस टाइप से पहले क्या होता था इंग्लैंड के अंदर, विलेजेस होते थे, और अब जो है वो डिके हो गया है, वो जो उनका रहने का तरीका है वो हो गया, खत्म हो गया है. जो इंग्लिश पीपल थे उनके गांव में रहने का जो तरीका था, क्योंकि अर्बनाइजेशन आ गया, और उसके साथ साथ जो है लोग अपने गाँव को छोड़ छोड़ के, कंट्री साइड को छोड़ के, और जो इंग्लैंड के शहर थे वहां चले गए. तो बेसिकली इस टाइप की पोइट्री जो थी द मूवमेंट पोइट्स जो थे उन्होंने लिखी थी. अब इसी टर्म से, इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था अक्टूबर 22 के अंदर. और ये क्वेश्चन था, हु कॉइंड द टर्म द मूवमेंट. सीधा सीधा आपसे मूवमेंट जो टर्म थी वो उसको क्वाइन किसने किया वो आपसे पूछ लिया. तो जैसे कि मैंने अभी कराया है कि द मूवमेंट मूवमेंट जो था वो उसके टर्म को क्वाइन किया था जेडी स्कॉट ने. तो इसका राइट आंसर था. तो जो भी क्वेश्चंस मैं लेके आ रही हूँ, जिनका एनालिसिस कर रही हूँ, अगर एनालिसिस को ही आप पूरा ध्यान से सुन रहे हैं, उनको रीड कर रहे हैं, तो उसमें ही आपके जो नेक्स्ट टर्म में क्वेश्चन आएंगे, जो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं में से क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे, क्योंकि मूवमेंट्स आप कवर कर रहे हैं उसके अंदर. और लिटरेरी मूवमेंट से रिलेटेड दो वीडियो और भी मैंने डाल रखे हैं, पार्ट वन और पार्ट टू करके, लिटरेरी मूवमेंट के नाम से. अगर आपको और भी लिटरेरी मूवमेंट्स, क्योंकि और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट्स हुए हैं लिटरेचर के अंदर, तो वो भी आप देख सकते हो और अपने आप प्रिपेयर कर सकते हो. और एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट की, यूजीसी नेट के ओल्ड क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्विज मेरे चैनल पे ऑलरेडी चल रही है. वहां पे मैंने 180 के अराउंड क्वेश्चंस डाल दिए हैं, वो टोटली फ्री है, वो भी जाके आप कर सकते हो और अपना स्कोर देख सकते हो कि आप कितने क्वेश्चंस को कर पा रहे हो उसमें, और डिटेल में मैं यहाँ पे करा रही हूँ. तो आई होप कि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पैशन फॉर लिटरेचर. स्टूडेंट्स, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है मेरे लिए. अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बहुत मेहनत लगती है इस टाइप के वीडियोस बनाने के लिए, बहुत घंटे लग जाते हैं स्लाइड्स बनाने के लिए, तो प्लीज आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इस टाइप के वीडियो और बनाऊं. तो प्लीज आपको इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.